अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है हैदराबाद की फ़ेमस डिश नहारी पाया, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 8 पैर और 1 सर और ज़बान। मैंने इसे अच्छे से आटे से वॉश कर लिया है। इस पर थोड़ा सा आटा लगा के 10 मिनट छोड़कर फिर इसे 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मैंने कुकर में सिरे, पैर और ज़बान डाल दिए हैं। अब मैं इसमें एक बड़ी प्याज जो मैंने कट करके रखे वो ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न। ये इन तमाम चीज़ों को आप ऐड करके 2 लीटर पानी डालकर आप इसे अच्छे से गला लें। इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को 30 से 35 मिनट के लिए गला लूँगी। यहाँ पर 30 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सिरे, पैर, ज़बान अच्छे से गल गई है ये। अब मैं इसे दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून खोपरा लिया है, खोपरा इतना लेकर इसको कट करके इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, और 2 टेबलस्पून खशखश इसे भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अगर आपके पास खशखश अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह फल्ली भी ले सकते हैं, इसे भी ड्राई रोस्ट कर। और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज को कट कर लिया है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और एक पोटली का मसाले की पैकेट लीजिए, इसे हाफ लीजिए इसका। मैंने पोटली के मसाले की एक पैकेट का सामान हाफ हाफ कर लिया। आप सिर्फ इसमें हाफ ही डालें, कढ़ाई लें, इसमें इसका हाफ डालें, डालकर आप इसमें पानी डालकर इसे बॉईल कर लें। इसे बॉईल कर लें। इसके साथ ही आपको नहारी मसाले की पैकेट मिलेगी, इसका 1 टेबलस्पून हम नहारी में डालेंगे, ये बाद में डालेंगे हम। चूल्हे पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। यहाँ पर हमारे पोटली के मसाले में भी बॉईल आ गया है। इसे मैं 2 मिनट्स और बॉईल कर लेके इसका पानी मैं स्ट्रेन करके नहारी के अंदर डाल दूँगी। फ्राई में मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी पहले से। अब ये पोटली के मसाले का जो बॉईल पानी है मैं ये नहारी में डाल दूँगी। मैं ड्राई मसालों का पेस्ट बना लूँगी, खशखश और खोपरा। इसका आप थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। यहाँ पर मैंने खशखश, खोपरे का पेस्ट रेडी कर लिया है। पैन पैन में 2 कप ऑयल डालकर गरम कर लिया है। इसमें मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है, इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कलर आए तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज भी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। पर मैंने जिसमें प्याज फ्राई किया था वही फैन पैन लिया। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल है। मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करूँगी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाल के आप इसे अच्छे से सौते कर लें। क्योंकि हमने अदरक लहसुन पहले भी डाला था इसलिए मैं यहाँ पर कम ले रही हूँ। इसी में मैं जो मैंने मसाले पीसे हैं खशखश और खोपरे के वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हम भून लेंगे इसे पहले। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी निहारी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे भून लूंगी। इसे आप अच्छे से भून लें तो मसाले की स्मेल चले जाएगी। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब मसालों को अच्छे से भून लीजिए। अभी मसालों को मैं ये नहारी में डाल दूंगी। डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी ये थोड़ी पतली है। अब हम इसमें ज्वारी का आटा लगाएंगे। कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबलस्पून ज्वारी का आटा डालूंगी।
थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे इसे, थोड़ा सा भून लेंगे। आप लो फ्लेम पे इसे भून लें, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसे एक बाउल में निकाल लें आप। बारीक आटी को एक बाउल में निकाल लिया, इसका थोड़ा पानी डाल के हम पेस्ट बना लेंगे। पर मैंने इसका पेस्ट बना, ये मैंने जो प्याज फ्राई किया था उसका ऑयल है, 1 कप ऑयल डाल दें आप इसमें। कितना थिक चाहिए का पेस्ट डालकर आप इसे अच्छे से कुक कर लें। मैं पुदीना और हरी मिर्ची भी डाल दूंगी जो मैंने चॉप किए हैं। आप इसमें नमक देख लें टेस्ट के हिसाब से। इसे प्याज जो हमने क्रिस्पी फ्राई कर लिया, इसमें ये नहारी मसाले की पैकेट है, इसमें से मैं 2 स्पून इसमें ऐड कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा नहारी का। तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। 1 स्पून गरम मसाला डाल दें आप लास्ट में। इसमें मैं 2 स्पून असली घी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर देखिए हम नहारी रेडी है, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पर हमारी नहारी पाया रेडी है, आप इसे घर पर बनाइए, बहुत टेस्टी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।